हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का टीम कंपटीशन करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे IPL के सबसे बड़ी फाइनल्स वाले दो टीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे पीला समुंदर होगा तो वहीं दूसरी तरफ हमें लाल सैलाब देखने को मिलेंगे। जब ये दो टीमें आपस में भिड़ती हैं तो जो पल होता है काफी देखने लायक होता है। एक तरफ जहाँ पे गुरु की टीम अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए मैदान में उतर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे शिष्य की टीम अपने पहले खिताब को जीतने के लिए अपने गुरु से द्वंद करते हुए नजर आएंगे। तो आगे बात करते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा। तो पहले टॉपिक की बात करेंगे जो दोनों टीमों का इतिहास के बारे में रहेगा। सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे कैसा रहा इन दोनों टीमों का पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स में। चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जानेंगे दोनों टीमों के कमजोरियों और खूबियों के बारे में। पांचवा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बताएंगे अपनी राय वो टीमों के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो को, आइए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे दोनों टीमों का इतिहास देखेंगे। तो दोस्तों IPL के इतिहास की सबसे सफल टीम चेन्नई है, जिन्होंने अभी तक IPL के टोटल 5 ट्रॉफी अपने नाम किए। वहीं बात करें बेंगलोर की टीम, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रोमांचक टीम होने के बावजूद भी वो अपने नाम एक भी ट्रॉफी हासिल नहीं कर पाए। जहाँ पे एक टीम की कप्तानी बिल्कुल बर्फ की तरह कूल है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे टीम के अग्रेशन वाली क्रिकेट से बड़ी है। IPL के जितने भी मैचेस हुए हर एक मैच का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। जहाँ पे चेन्नई और बेंगलोर की टीम में अब जब भी मैच होता है जहाँ पे जीता और हार की भावना से ज्यादा माही भाई के कूलनेस और चीकू भैया के अग्रेशन ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कैसा रहेगा इन दोनों टीमों का पास्ट परफॉर्मेंस। जब भी दोनों के बीच में मैच होते हैं हर एक ग्राउंड में जहाँ पे आपको सिर्फ चौके और छक्के देखने को मिलते हैं, मैदान में चाहे जो भी हो इन दोनों टीमों का जो भी कंपटीशन आपको देखने को मिलता है हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जहाँ एक तरफ माही भाई के जैसा वर्ल्ड क्लास फिनिशर है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे मशीन कोहली भैया है जो अपने बल्ले से अच्छे अच्छे को छुट्टी कर देते हैं। वहीं बात करें दोनों टीम्स के पास रिकॉर्ड्स के बारे में, तो बता दूं दोनों टीम्स में से पास टोटल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई की टीम ने 20 बार मैच जीते। वहीं बात करें बेंगलोर की टीम में तो वहाँ 10 मरतबा चेन्नई टीम को हराने में कामयाब हो पाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स में। तो दोस्तों एक टीम को बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी का महत्वपूर्ण किरदार होता है। कुछ ऐसे इन दोनों टीमों को कॉम्बिनेशन में दोनों टीमों को काफ़ी खास बनाता है। तो आइए बात करते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स और उनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की टीम के बारे में, तो जहाँ पे डिवॉन कॉनमैन, ऋतुराज गायकवाड है, अजिंक्य रहाणे है, डैनियल मिचेल है, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे है, महेंद्र सिंह धोनी है, रविंद्र जडेजा है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर है, मुस्तफिजा रहमान है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी बेंगलोर की टीम देखते हैं, जहाँ पे फैफ डू प्लेसिस है, विराट कोहली है, रजत पटीदार है, मैक्सवेल है, लैमरोड है, दिनेश कार्तिक है, कैमरन ग्रीन है, करण शर्मा है, मोहम्मद सिराज है, लोकी फर्गूसन है और आकाशदीप है। इन दो टीमों का प्लेइंग 11 अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। जहाँ पे पहली टीम की बात करें जो कि चेन्नई है, चेन्नई की टीम वह टीम सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। पास के कुछ समय में हमने देखा है काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने चेन्नई की टीम में जाकर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। उदाहरण के तौर पर हमें देखा जाए कि विदेश के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का खेलना पसंद करते हैं। जहाँ पे एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी इस टीम की ताकत है, वहीं बात करके महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के कप्तानी है यदि छोड़ देते हैं तो यह क्रिकेट से पूर्ण रूप से संन्यास लेते हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा कयास भी लगाया जा सकता है। हम जानते हैं कि यह टीम बिखरते हुए नज़र भी आ सकती है। जहाँ पर रविंद्र जडेजा की कप्तानी हमें चेन्नई की टीम के साथ होते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं चेन्नई की टीम को अपने आने वाले समय में अपनी टीम के कप्तान के रूप में एक बेहतर विकल्प खोजना जरूरी होगा। जहाँ पे चेन्नई के टीम में मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे काम करने का खासा जरूरत है, क्योंकि चेन्नई के मिडिल ऑर्डर जहाँ पे कंसिस्टेंसी की कमी देखने को मिलती है, जिससे टीम का ओवरऑल बैलेंस कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी टीम जो कि बेंगलोर है, तो बात करते हैं जहाँ पे RCB की, तो बेंगलोर की टीम में कुछ ऐसा भी हाल चल रहा है जहाँ पे बेंगलोर की टीम के पास एक से एक धाकड़ बल्लेबाज है जो अपने अकेले दम पर पूरा मैच को जिता सकते हैं। तो वहीं बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में कहीं ना कहीं यह टीम लैक करती है, क्योंकि बेंगलोर के पास कुछ खास गेंदबाजी भी नहीं है, ज़्यादातर ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। खासकर स्पिन डिपार्टमेंट में बेंगलोर की टीम काफ़ी ज़्यादा खाली रहती है। जब भी टीम मिडिल ऑर्डर में वर्स्ट विकेट में दिक्कत भी मिडिल ऑर्डर में विकेट लेने भी दिक्कत भी होती है। अब बात करते हैं पाँचवा टॉपिक, बताएंगे राय अपने वो टीमों के बारे में। बेंगलोर और कलकत्ता दो IPL की ऐसी टीम है जो अपने आप खासियत है, जहाँ पे दोनों टीमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर।
आरसीबी के रोल मॉडल विराट कोहली हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख स्तंभ है। आरसीबी की पहचान उनकी आक्रामकता और भावना को खेलने की प्रवृत्ति है, जहां पे एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों का योगदान महत्वपूर्ण है। आरसीबी के पास बॉलिंग में कुछ समय समाधान की जरूरत होगा, लेकिन उनका बल्लेबाजी बहुत ही स्ट्रांग है, जहाँ पे आरसीबी के प्रशंसकों जुनूनी और वफादार होते हैं, हर आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस भी करते हैं। दोनों टीमों के टक्कर भी भरी होती है, जो मैदान में आते हैं जिसके स्थिरता अनुभव के साथ आरसीबी की आत्मा और भावना खेलने की प्रवृत्ति के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। वहीं अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, जिसके सीएसके की पहचान उसकी स्थिरता अनुभव खिलाड़ियों की भरपूर पत्ती है, जैसे कि शिवम दुबे है, रविंद्र जडेजा है, पथिराना है। सीएसके की रणनीति वो खिलाड़ी स्थिरता निरंतरता पर विश्वास करते हैं, उन्हें हर एक मैच में काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिलता है महेंद्र सिंह धोनी से, जहाँ पे सीएसके के फैन फॉलोइंग पूरे देश में बहुत अधिक है, उनके सिटी मत के साथ जाना जाता है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो क्या इस बार टाटा आईपीएल 2024 का खिताब कौन सी टीम लेकर जाती है, यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। होगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।